इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है किस तरह से आप गूगल ऐप और जी कैम को डाउनलोड कर पाओगे अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, किसी भी एंड्रॉयड वर्सन के लिए। सो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड का गूगल ऐप्स नहीं है और अगर आपके डिवाइस के ऊपर लेटेस्ट गूगल ऐप को आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो जी ऐप्स और गूगल ऐप्स क्या है। एक्चुअली जो गूगल का एप्लीकेशन है, गूगल हो जाए, गूगल पे हो जाए, गूगल फोटोज, क्रोम, असिस्टेंट, ट्रांसलेट, कॉन्टैक्ट, जो गूगल फोन से लेंस, गूगल की जीमेल, गूगल प्ले सर्विस, गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब, ये जितने भी गूगल्स की सर्विस है दोस्तों, इसको यूज़ करने के लिए आपको गूगल ऐप्स को डालना पड़ता है। सो बेसिकली जो चाइनीज मैन्युफैक्चर है, क्योंकि चाइना के अंदर गूगल बैन है, तो चाइनीज डिवाइस के अंदर गूगल का जो ऐप्स है वो डालकर नहीं जाता है। सो आपको अलग से थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको गूगल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। सो नंबर वन दोस्तों, अगर आप गूगल प्ले सर्विस प्ले स्टोर को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसलिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आपको डाउनलोडिंग मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ऑल इन ऑन गूगल ऐप्स की बात करने वाला हूँ। सिंपली अगर आप गूगल ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इस लिंक पर जाके आपको ओपन जी apps.org वेबसाइट के ऊपर आना होगा। सिंपली आपके पास जो क्रोम है, क्रोम को आप चाहो तो थर्ड पार्टी वेबसाइट और किसी भी ब्राउजर को ओपन करो, ठीक है, कोई भी ब्राउजर से ओपन करो। उसके बाद यहाँ पर सर्च करो ओपन जी एप्स करके, और अगर आप चाहो तो मेरे लिंक से भी जा सकते हो डायरेक्ट। सो ओपन जी एप्स डॉट ओ आर जी वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जानना होगा आपका जो फ़ोन है वो कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर तैयार किया गया है। मोस्टली ARM64 के ऊपर ही तैयार होता है नया जो डिवाइस है। और अगर आप चाहो तो जो CPU-Z करके एप्लीकेशन है, CPU-Z यूज़ कर सकते हो। CPU-Z के अंदर आपको पता चल जाएगा आप का जो ARM है कौन सा आर्किटेक्चर अब तैयार किया गया है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ आर्किटेक्चर का, हाँ यहाँ पर ARM का है, मेरा रेमनोट 4 है, मेरा जो आर्किटेक्चर है दोस्तों ARM, सिर्फ ARM है। सो आप यहाँ से ARM को सिलेक्ट कर लो, ARM को सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका डिवाइस है। उसके बाद दोस्तों बात आती है आप कौन सी रॉम के ऊपर जी आपको फ्लैश कर दो। अगर आपका एंड्रॉयड वर्सन 7.0 है और 7.1 है और 8.0 है, 8.1 है, सो वही एंड्रॉयड वर्सन आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका 7.0 एंड्रॉयड वर्सन है, अगर आप 8.1 का जी आपको फ्लैश करते हो तो दोस्तों ये फ्लैशिंग नहीं होगा, आपको एरर दिखाई देगा। सो आपको करेक्ट एंड्रॉयड वर्सन चूज करना होगा। यहाँ पर मेरा केस के अंदर एंड्रॉयड पाई 9.0 है, ठीक है। सो 9 हो जाने के बाद दोस्तों एंड्रॉयड वर्सन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा है। मेरे केस में दोस्तों मैं आपको प्रेफर करता हूँ आप नैनो और पिको के अंदर जा सकते हो और माइको भी जा सकते हो, इससे ऊपर जाने का कोई भी मतलब नहीं है आपको। तो जो टीवी, अगर आप टीवी के अंदर जी एप्स को फ्लैश करना चाहते हो तो टीवी स्टॉक में क्लिक करना। जो पिको है दोस्तों, पिको के अंदर सिर्फ आपको एक ही गूगल प्ले स्टोर ही मिलता है और कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलता है गूगल का। और जो नैनो है दोस्तों, इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर के सिलेवा और एक एप्लीकेशन मिलता है। जो माइको है दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल का ऐप्स मिलता है, जीमेल, कैलेंडर, गूगल नाउ का सपोर्ट। जो मिनी है दोस्तों, मिनी के अंदर आपको और एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है। और जो फुल है दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक के बहुत करीब है पर स्टॉक नहीं है। जो स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक में आपको जितने भी गूगल के एप्लीकेशन है भर भर के आपको जो मिलते हैं, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद सुपर है, अरोमा भी है। सो ये जितने भी दोस्तों आप ऊपर जाओगे वहाँ पर आपका जी एप्स का साइज भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर लेटेस्ट वेरिएंट आपको मिल जाएगी। अगर आप एडवांस सिलेक्ट करते हो तो आपका जो डाउनलोड होगा 1.2 GB का जी एप्स आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप फुल सिलेक्ट करते हो तो आपको 561 MB का पड़ेगा। अगर आप पिको सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ 98 MB का पड़ेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप माइको तक जा सकते हो। मेरे हिसाब से आपको स्टॉक में भी नहीं जाना चाहिए, स्टॉक बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा आपके डिवाइस के ऊपर। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप चले जाओ माइको के ऊपर। माइको 199 MB के आसपास है। माइको को डाउनलोड करो, या पर डाउनलोड में टाइप करके, रेड कलर का डाउनलोड में टाइप करके आपके फ़ोन के ऊपर डाउनलोड कर लीजिए। पहले डाउनलोड करने के बाद किस तरह से इंस्टॉल करना होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप जी कैम को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो, मेक श्योर आपके पास जो डिवाइस है, जो रॉम इस डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल किया गया है उसके ऊपर जी कैम का सपोर्ट है। अगर आपका रॉम के ऊपर जी कैम का सपोर्ट नहीं है तो दोस्तों आप अपने डिवाइस के ऊपर जी कैम को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो ये दोस्तों फास्ट बूट मोड है, ये मेरा रेडमी नोट 4 है, इसके अंदर पिक्सल एक्सप्रेस रॉम है और ये इसके अंदर ऑलरेडी गूगल एप्लीकेशन इंस्टॉल है। जो पिक्सल एक्सप्रेस रॉम है दोस्तों, ये एक्सटर्नल जी कैम को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं आपको सिर्फ गाइड बताऊंगा, जो गाइड है उसे फॉलो करना हो दोस्तों आप सक्सेसफुली अपने डिवाइस के ऊपर गूगल ऐप्स को इंस्टॉल कर पाओगे।
दोस्तों आपके डिवाइस के ऊपर रूट एक्सेस होना चाहिए, उसके साथ साथ दोस्तों आपके डिवाइस के ऊपर TWR रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप गूगल एप्लीकेशन और जी कैम को फ्लैश करना चाहते हो आपके रॉम के ऊपर। सो मेरे फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी रेड उल्फ रिकवरी इंस्टॉल है, तो मुझे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो कुछ इस तरह से आपको मिलता है दोस्तों। सो ये दोस्तों रेड उल्फ रिकवरी है। सो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप पहले आपका पूरा डेटा का बैकअप लेना होगा, बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर बैकअप में टैप करके पूरा डेटा का बैकअप ले लो, पूरा जो स्टॉक रॉम है उसका बैकअप ले लो। इन केस अगर आप गलत जी कैम का वेरिएंट इंस्टॉल करते हो तो यहाँ से आप वापस आ सकते हो अपने स्टॉक रॉम के ऊपर। सो यहाँ पर दोस्तों पहले आपको इंस्टॉल में जाना होगा, जिस भी फोल्डर के ऊपर आपका गूगल एप्लीकेशन का जो जिप फाइल है उस फोल्डर के ऊपर जाके आप वहाँ से आपको स्वाइप करके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, जिस तरह से रॉम को फ्लैश करते हैं उस तरह से आप गूगल एप्लीकेशन को फ्लैश करना होगा। दोस्तों कुछ कुछ रॉम है जो कि गूगल एप्लीकेशन फ्लैशिंग को अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए आप गूगल में जाके गूगल इंस्टॉल करके सर्च कर लीजिए, वहाँ से APK डाउनलोड करके आप गूगल का प्ले सर्विस गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हो। और मैं किस तरह से गूगल ऐप्स को जैसे कि गूगल प्ले सर्विस गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। एनीवे मैं आशा कर रहा हूँ वीडियो को पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर ऑल दिस वीडियो। Have a nice day.